तरह से संभाला। एक बड़ा इवेंट था जिसे डाइजेस्ट किया और बेहद अच्छी तरीके से डाइजेस्ट किया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 17,633 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज, करीब 86 अंकों की बिकवाली जरूर है। 59,134 के स्तरों पर 320 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में कामकाज। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहाँ पर नजर आए, अच्छी तेजी के बीच कामकाज। इस वक्त अगर बाजार के हीट मैप को देखेंगे, टाइटन स्टॉक एंड टू स्टार्ट विद एचयूएल और टाइटन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी मजबूती यहां पर टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं। पेंट स्टॉक्स, क्रूड में जो उथल पुथल मची है उसका सीधा इंपैक्ट है जो कि सीमेंट और पेंट काउंटर्स पर नजर आ रहा है। एक दिन के करेक्शन के बाद हमने देखा सीमेंट प्लेज में भी अच्छी मजबूती, स्टॉक्स लाइक ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी तेजी के बीच, और मिड कैप सीमेंट प्लेज में लगातार इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स में, नोवोको विस्तार जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छी मजबूती हम देख चुके हैं, तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। आयशर मोटर्स भी रेडार पर है और मारुति सुजुकी भी, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आज भी तेजी छाई रही, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, ये तमाम स्टॉक्स में एक्शन के साथ ही कामकाज देखने को मिला। और एडवांस डिक्लाइन जैसे कि हम देख रहे हैं 1040 के सामने 964 डिक्लाइंस है, तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ जो है बिल्कुल रिकवरी, एक रेंज में कामकाज किया। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर, एक बड़ा इवेंट डाइजेस्ट करने के बाद आज की ये जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो काबिले तारीफ ही रही। बजाज ट्विन स्टॉक्स में आज भी एक्शन बजाज फाइनेंस में नजर आया। भारतीय एयरटेल, आज सुबह ही हम बता रहे थे टेलीकॉम स्टॉक पर, टेलीकॉम एंसिलरी पर लगातार बातचीत हो रही थी, भारतीय एयरटेल के स्टॉक में एक मूव जरूर नजर आया। इसके अलावा अगर देखें स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव्स, एफएमसीजी प्ले अच्छी तेजी दिखा रहे थे। एप्टिस वैल्यू का स्टॉक आज 6% का उछाल स्टॉक दिखा गया, सिटी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद अच्छे अप मूव्स के साथ यहां पर कामकाज। टीटी के प्रेस्टीज के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, मैनेजमेंट का ये कहना था कि दूसरी छमाही तक अच्छे लेवल्स इन्हें नजर आ रहे हैं, अच्छी डिमांड ग्रोथ ने बिल्कुल नजर आएगी, 1.5% तक की तेजी आज के सत्र में हमने देखी। इसके अलावा अगर देखें कई सारे स्टॉक्स, कई सारे काउंटर्स से मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को अगर देखेंगे, डिफेंस प्लेस में एचएएल ने आज सुबह से ही अच्छी तेजी देखी। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस का स्टॉक, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, हेल्थकेयर स्पेस, डायग्नोस्टिक, फार्मा में अच्छी तेजी के बीच म्यूटेड एक्शन से एक्शन की तरफ फार्मा और हेल्थकेयर बढ़ते हुए, अच्छे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिसका असर। केमिकल प्लेस में टाटा केमिकल के स्टॉक में अच्छी तेजी, करीब 5.5% के अप मूव्स यहां पर नजर आए। और वहीं गैस स्टॉक्स में गुजरात गैस लिमिटेड में अच्छी तेजी के बीच एस्कॉट्स की वोटा न्यूज बेस इंपैक्ट, एस्कॉट्स के स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी हमने देखी। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 17,639 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 78 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड यहां पर नजर आए। निफ्टी पर अब सेंसेक्स की अगर बात करें 59,175 के लेवल्स पर करीब 300 अंकों की गिरावट यहां पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी में भी जिस तरह के ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, 562 अंकों की बिकवाली हावी ज्यादा बैंकिंग की तरफ से 46,641 के लेवल्स पर। लेकिन दिन भर वॉलीटाइल ट्रेड देखने के बाद फाइनल क्लोजिंग की अगर बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे दिखे, मिड कैप प्लेज में एक्शन जरूर रहा, इंडेक्सेस ऑफ कोर्स वॉलेटाइल रहे, वीकली एक्सपायरी जो है बिकवाली के साथ इस वक्त कटती हुई नजर आई। अब कल का सेशन कैसा रहेगा, वीकली एक्सपायरी के बाद नई सीरीज की शुरुआत की अगर बात करें, नई वीकली सीरीज की शुरुआत कैसी होगी इस पर जरूर फोकस रहेगा।